It is a proud moment to receive Dada Saheb Phalke Film Puraskar 2023-24 and being one among the top 30 creative minds of India. For making a film, she justified Best Women Cinema on a social cause. Award was organized by Maharashtra International Film Festival Organization and supported by Information and Broadcasting Department. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भारत सरकार लिखा होता है आपकी ट्रॉफी पे तो उस मैं आप मतलब क्या कहे सिर्फ आपको ऐसे हाथ जोड़ के कहोगे कि थैंक यू सो मच थैंक यू भी बहुत छोटा सा वर्ड है सो मेहनत का फल है बहुत सालों में बात करते समय एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मानसी ने मुझे बोला कि हम अपने बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी बना रहे हैं बैंक बैलेंस बना रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो हम वही सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक है और सोशल सिनेमा के जरिए अगर हम ये बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाले कल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो मानसी एज अ फीमेल होने के बाद बावजूद जैसे हमारे भारतीय समाज को फीमेल्स आप आज से बी आर अम्बेडकर आने के पहले का अगर आप पूरा किस्सा देखोगे तो बहुत ही उलट पुलट है जहाँ पे औरतों को किसी भी चीज की आजादी नहीं थी लेकिन वो आजादी संविधानिक रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी और आज इस मकाम पे आने के बाद में ये 2024 में आपने ये कैसे सोच लिया कि सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाकर हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं बधाई हो आपको जो अवार्ड सम्मानित किया दारा साहब के किस लिए अवार्ड मिला थोड़ा बताएंगे आपको जी ये मैंने एक फिल्म बनाई है शी जस्टिफाइड करके और जो हम देखते हैं हमारी घर में बच्चियां हैं या वुमेन हैं उनके जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उन्हीं को बचपन से ख़त्म किया जाता है तुम तेज आवाज़ नहीं बोलना भाइयों से बराबरी नहीं करना पैसे वैसे की बात तुम्हें नहीं करनी और फिर वो जब ससुराल पहुंच जाती हैं तो कुछ भी हो एडजस्ट करो और सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 85% to 50% कई स्टेट्स में औरतें घरेलू हिंसा का समर्थन करती हैं आज भी थैंक यू सो मच मैम